colhei mate vie, colgo mate vie. ये पूरी कमेटी है कलमबोली वडेर की, और बड़े तन मन धन से इन्होंने बहुत ही शानदार व्यवस्था करके रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं अब आप सबको परिचय कराता हूँ। सर्वप्रथम अध्यक्ष साहब श्रीमान धनाराम जी सीरी साहब, इस रक्तदान शिविर के बारे में बताइए और मारवाड़ी भाषा में बताइए, क्योंकि अपने सब सीरी समाज वाले देखने वाले हैं। माँ आई जी को 603 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलमबोली वडेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी युवा मंडल, सिरवी महिला मंडल और सिरवी विकास मंडल कलमबोली के सभी सदस्यों ने, माताओं बहनों भाइयों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये 13वां रक्तदान शिविर का आयोजन है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसका आयोजन किया गया और करीब 100 यूनिट से ऊपर हमें विश्वास है कि ये रक्तदान होगा। शाम तक 5 बजे तक चलेगा ये, और सभी से आशा करते कि अगले साल भी इस रक्तदान शिविर का आयोजन हो और गरीब लोगों को, जिनको रक्त की ज़रूरत होती है, उनको ये सेवा मिले। कलमबोली वडेर के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सुबह से इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। एक सवाल था सर, ये जो रक्तदान शिविर है ये सर्वप्रथम अपनी वडेर से शुरू हुआ था ना? यस, ये भारत की प्रथम वडेर रही है। सिरवी विकास मंडल कलमबोली से ही ये रक्तदान शिविर का कार्यक्रम 13 साल पहले शुरू हुआ था, 2007 में। और 2 साल पहले जब माता जी को 600 वर्ष पूर्ण हुए थे, तभी नवी मुंबई की 8ों वडेरों ने मिलके, हमारा टारगेट था 600 यूनिट ब्लड देना, लेकिन माँ आईजी के आशीर्वाद से और माँ आईजी की कृपा से 1120 यूनिट रक्तदान किया गया, जो एक बहुत ही बड़ी समाज की एक उपलब्धि है। और हम आशा करते हैं कि ऐसा कार्य निरंतर, मानव सेवा का कार्य निरंतर हमारी इस माँ आईजी के प्रांगण से चलता रहे। आपके इस कार्य के बाद ही सूरत वडेर और नालासोपारा वडेर में भी ऐसा आयोजन रखा गया, ये आपकी मतलब कामयाबी है। अगला परिचय मैं कराता हूँ, श्रीमान अध्यक्ष साहब हमारे कलमबोली वडेर के अध्यक्ष श्रीमान टिकमा राम जी, 2 शब्द कहे कोई भी हाली भाषा से, आप पूरा सीरी समाज से उपाध्यक्ष साहब पहले सब वडेरा ने निवेदन है कि मानवता वास्ते आगे आवे, एक दूसरे सहयोग करे, बस यही महाराज। यूं ऐसा वडेर रो मकसद खाली एक ही नहीं बनो सीजे कि खाली बादो सु बीज मनाओ, नहीं वडेर वणे ही साहब करोड़ों रुपया रो वणनो मकसद एडो बनो सीजे कि वण में खूब हारा कार्य करो, जो आपकी कलमबोली वडेर में नंबर 1 है साहब। कलमबोली वडेर में पूरा साल कार्यक्रम चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। आप नवरात्रि बोलो, आनंद चौदस बोलो, बिल्कुल बिल्कुल। और मानवता के लिए प्रतिबद्धता है, हम लोग समाज के लिए प्रतिबद्धता है। हमारा तो मकसद है कि भी संपूर्ण नवी मुंबई की सभी वडेरे एक छत्र के नीचे आए और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा भूखंड कहीं यहाँ नवी मुंबई के आजू बाजू में, पनवेल आसपास में खरीदें और वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करने का हमारा प्रोग्राम है। माँ आईजी की अगर कृपा रही तो हम जल्द ही इसके लिए कार्य रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए आज हम 8 ही वडेरों को यहाँ निमंत्रण भी दिया है, जो ये रक्तदान शिविर का समापन होने के बाद 8ों वडेर की यहाँ मीटिंग है और उसके लिए चर्चा होगी। अगर माँ आईजी ने चाह तो कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, हमारी तैयारी पूरी है उसके लिए। सेक्रेटरी साहब पधारिए, सचिव साहब परिचय दीजिए। पहला
आज जो सिर्फ समाज ने जो कैंप रखा है मानव सेवा के लिए, ऐसा कैंप हर वडेरों में भी रखना चाहिए। सुझाव है ये रखेंगे तो अगर आजकल के जमाने में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो हर जगह ये ब्लड किसी को काम आता है तो अच्छी बात है। नहीं सर, आपके इस पथ पे बहुत सारी वडेरें चल रही हैं, बहुत सारी वडेरों ने शुरू भी किया है। हाँ नहीं नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो अच्छा है, और मानव सेवा के लिए जो भी और होता है आप जोर पड़े तो हमारी सेवा जरूर ले। बिल्कुल, कोई भी वडेर, कोई भी मानव जाति। रामलाल जी कुछ भी चले, माँ आई जी के प्रांगण में 13 रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इसके पूर्व में भी राजस्थान में भी संस्था के माध्यम से बिजोवा गांव में, पूरा मंगलियार में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और मैं तो सभी सर्वधर्म लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। सही सही बात है, न तो आर्टिफिशियल बनता ही है, इसीलिए मानव का खून ही मानव को खून काम आता है, और इस एक खून से 3 जिंदगियां बचती है। एक यूनिट से 3 जिंदगी बचती है, 3 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं इसमें एक खून से 3 जिंदगियां बचती है। तो आने वाले समय में भी मैं सभी वडेरों से निवेदन करता हूँ, महाराष्ट्र की वडेरों से, हिंदुस्तान के सभी गांवों में जो वडेरे हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अपने अपने स्तर पर गाँव में ऐसे ब्लड कैंप रखा जाए। इनसे आप परिचित होंगे, ये हमारे नरिंगबा मतलब दिल से सेवा करते हैं, गौ कार्य के सबसे प्रमुख है, और भारत के किसी कोने या किसी वडेर में ये परिचय के मोहताज नहीं है। आप दो सब कहिए नरिंगबा जी। बोलाई माता की, शिव समाज बोली कुर्बा वडेरे है, उन भाई लोगों को सबको धन्यवाद है कि सीनवी समाज में बड़ा एक संगठन बनाते हुए रक्त शिविर लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। इंसान को जब गरीब आदमी होता है जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, हॉस्पिटल से रक्त महंगा मिलता है, लेकिन इन्होंने जो भाइयों ने शिविर लगाया है वो रक्त उनको फ्री देने में होता है, और जो दानदातार है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज 14-15-16 साल हो गए जो कि जीजोरे माता गौशाला भी है, वो भी इन सीरवी समाज के अंगों पे चल रही है, मतलब दूसरा का पैसा नहीं लेते। हमारे गुरुदेव की मेहरबानी, आई माता की मेहरबानी, जो कि समाज का पैसा समाज के अंदर ही जाना चाहिए, और सेवा बहुत दुर्लभ है। ये आई माता की असीम कृपा से पूरी मुंबई, पूना, नासिक, हैदराबाद, कोल्हापुर और गुजरात हर जगह से बहुत पैसा आता है, और गौ माता के लिए आज देवली के अंदर कम से कम 8-9 शेड है और 2 घास गोदान है, ट्रैक्टर, गाड़ी, 2-व्हीलर, 4-व्हीलर सब है, और अभी हमारे खाकले की मशीन भी आ गई है जो खाकला ऊपर चढ़ा थे। इतनी जो सुविधा है, जो देवड़ी गौशाला में सुविधा है, वही सुविधा कहीं नहीं मिलेगी आपको। उन्हें 200 बीघा जमीन है भगवान की दया से, और उनको एक मेरा भी है, जो गौशाला आज पूरे हिंदुस्तान में बस एक और सीधी समाज की एक ही गौशाला है, जीजी वाला है माता गौशाला। उस सनातन धर्म की जय हो, बोलो गौ मात की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए सर, फोटो तो आए युवा मंडल अध्यक्ष, अरे कम से कम फोटो तो हमारा यात्रा कौन है अध्यक्ष साहब, कौन है अध्यक्ष साहब, परिचय दो आप लोग। प्रणाम, भरत जगदीश जी देवड़ा है, नवीक मंडल का अध्यक्ष हूँ मैं। बिल्कुल साहब, और सभी रक्तदान जितना भी मैम लोग आया हटे उन्होंने रक्तदान की तो है, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद करूँ सिरवी समाज की तरफ थी, और सबरों सपोर्ट भी है सिरवी समाज, विकास मंडल,
महिला मंडल और नवयुग मंडल सभी ने धन्यवाद करो और वो आयोजित की तो बहुत अच्छा है। रक्त अंत मद्रेस बोला रक्तदान एक महादान है और रक्तदान करवाती होना खूब फायदा है और आप रक्तदान आगे करते रहे जो और भी ऐसा जो सिर्वी समाज में जिनका नाम रक्तदान आयोजित की तो है कभी वो खेल प्रतियोगिता करे हर बार सिर्वी समाज इन चीज़ों में आगे बढ़ती रही है और 12 महीना कोई ना कोई नवी फंक्शन रहता है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र है हमारी 26। ये 26 साल के हैं देवड़ा साहब, इनका जोश देखिए आप और आपके जो साथीगण हैं ये मतलब रक्तदान शिविर में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। युवा मंडल की टीम एक्चुअली बहुत बड़ी है लेकिन कितने सदस्य हैं? सदस्य 28 सदस्य और स्कूल कॉलेजेस की वजह से कुछ लोग आ नहीं पाए, दोपहर के बाद आएंगे वो भी इसमें भाग लेंगे और अपना रक्तदान करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी इस जोश को भी मतलब संपूर्ण भारत सीरी समाज और सीरी परिवार .com आपको हार्दिक बधाई देता है। धन्यवाद। अब मैं आपका परिचय कलमबोली वडेर की महिला मंडल से करवाता हूँ जो हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। आगे महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती जी, आपका नाम बताइए। कौशल्या देवड़ा। थोड़ा जोर से बोलो। कौशल्या देवड़ा। थोड़ा बोलो आप कोई भी अंडर डाल। आज हमारे कलमबोली में किसान रक्तदान शिविर हुआ है, उसके लिए कलमबोली सीरवी महिला मंडल और सीरवी युवा मंडल और सीरवी समाज सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभारी है। यहाँ पे आकर कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए जो उसके लिए मैं सभी बहनों और भाइयों और यहाँ पे आए हुए मेहमानों का सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप आज अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। सभी बहनें और डॉक्टर कविता किशोर चौधमाल जी और प्रशांत ठाकुर जी का और सतीश पाटिल जी वगैरह सब यहाँ पे पधारे थे तो बहुत बहुत हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे आके उनका कीमती समय निकाल के यहाँ पे हमें सहयोग दिया। इसके लिए आप सभी रक्तदान कर रहे हैं क्या? बहुत सारी महिलाओं ने किया है, बाकी महिलाओं का खून क्या है ना, तो सभी बहनों ने भाइयों ने जिसने भी रक्तदान किया है यहाँ पे आके उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि रक्तदान एक ऐसी चीज है कि बहुत मतलब जिंदगी भर सबसे बड़ा दान है, सबसे दान बड़ा है। वो करने वाले बहुत जन हैं कम कि मतलब कि रक्तदान करना एक डर भी लगता है कि हाँ कि रक्तदान करूँगा तो कुछ हो जाएगा इसके लिए, लेकिन वो कुछ नहीं है, आप जितना कर सके उतना करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी मनुष्य के लिए मतलब जान बचे बहुत अच्छी है, इसके लिए रक्तदान करना चाहिए कि मतलब किसी की जान बच जाए, ये बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे सभी आए अपना समय निकाल के इसके लिए महिला मंडल अगर हम सब सभी बहनों सबका धन्यवाद देते हैं और महिला मंडल ये सभी भाइयों बहनों के सहयोग से हम सब आगे बढ़े हैं कि करना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। जोरदार जयकार लगे साथ होकर कंटिन्यू बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। Thank you.
एमजीएम नाम है मैडम। राजेश भाई मीडिया वाला फोन कभी ना निकलना और फोन करो भाई माता मंदिर जाए कलंबोली वड़े में जो रक्तदान शिविर हो रहा है उसके एमजीएम पेड़ी के प्रमुख श्रीमान जी क्या बोलते हैं राजेश अत्तरदे एमजीएम हॉस्पिटल कामोठी से आए आपको यहाँ कैसा रिस्पांस मिलता है और आप कैसे मतलब सेवा दे रहे हैं इस बारे में थोड़ी जानकारी। बहुत अच्छा है अपना 13 साल से कंटिन्यू चल रहा है एक साल भी गैप नहीं हुआ। लास्ट ईयर एक्चुअली इधर प्रोग्राम था लेकिन फिर भी इन्होंने ऊपर अरेंज करके दिया और ऊपर भी 111-112 बोतल हुआ था अपना। तो एवरी ईयर अपना 13 साल से 100 के ऊपर ही जाता है और इनका अच्छा रिस्पांस है जब भी फोन किया तभी अरेंज हो जाता है कैंप। सर ऐसा है कि काफ़ी लोगों को रक्तदान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं बहुत सारे लोग डरते भी हैं इस बारे में थोड़ा सा आप थोड़ा बताइए तो थोड़ा लोगों को जो देख रहे हैं उनको थोड़ा अच्छा लगेगा और वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ब्लड एक्चुअली क्या है लोगों को लगता है कि कमजोरी आ जाएगा खून देने से कमजोरी आ जाएगा ये आ जाएगा लेकिन क्या एक्चुअली ब्लड जो देता है ना उसको हार्ट का प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कभी नहीं आता है और आप साल में तीन बार चार बार ब्लड डोनेशन दे सकते हैं और आपका जो भी ब्लड निकलता है 24 आवर्स में रिकवर हो जाता है पूरा मतलब साल में चार बार दे सकते हैं। साल में चार बार आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और आपका जो ब्लड अभी निकला ना 24 आवर्स में रिकवर हो जाता है और आपके हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है जो डोनेट करता है उसको और आपकी वजह से मेन तो आपकी वजह से किसी का जान बच रहा है ये मेन है। ये जो सिरवी समाज की तरफ से आपको रिस्पांस मिल रहा है ऐसा रिस्पांस आपने और कहीं कहीं देखा क्या आपने? सिरवी समाज का कंटिन्यू किसी का एक साल गैप पड़ जाता है लेकिन सिरवी समाज का आज से 13 साल से तो कंटिन्यू चल रहा है जब से मैं है कंटिन्यू है ऐसा हुआ नहीं कि एक गैप हो जाएगा। लास्ट ईयर मैं बोला ना आपको इधर प्रोग्राम था फिर भी ऊपर उन्होंने अरेंज किया और लास्ट ईयर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।